कैसे हैं आप? कैसे रही कल की स्टोरी? आप प्लीज अपने कमेंट्स लिखा कीजिए, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं स्टोरी टेलिंग में तो यू आर मोस्ट वेलकम टू लेट मी नो पर्सनली। डीएम कीजिए, पेज पे लाइक कीजिए, जो करना है कीजिए, बट स्टोरी ज़रूर सुनिए और आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, इसलिए शेयर करते रहना चाहिए। है आज की हम स्टोरी पे शुरू होते हैं। आज की स्टोरी बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट है, है तो दुखदायक, क्या कर सकते हैं, पर इससे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे साथ भी हो चुकी हैं, तो इसलिए आई कैन रिलेट टू दैट स्टोरी लिटिल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये कहानी तीन बहनों की है, ये इनके फादर नहीं थे, और दो बहनें अपनी लाइफ में सेटल हो चुकी थी, और जो ये एक जिन्होंने कहानी बताई है, जो सिस्टर है इनकी सबसे छोटी, इनकी मदर इनके लिए एक वेडिंग गाउन ढूंढ के लाए थे। वो वेडिंग गाउन जो था, उन्होंने कहा कि भाई बहुत जल्दी खरीद रहे हो, पता नहीं कब शादी हो, अब जब शादी होगी तब हो सकता है ये फैशन हो ना हो, बट उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा मतलब मुझे इसे देखते ही लगा कि ये तेरे लिए ही बना है, तो इसलिए मैंने ये खरीद लिया। खैर, फैमिली थी अच्छी खासी चल रही थी, और अचानक से 2015 में इनके पास एक बहुत बुरी खबर आती है कि जो इनकी मदर है उनको लंग कैंसर है, और वो भी स्टेज 4 पर। ये सब बहुत हैरान रह जाते हैं क्योंकि लंग कैंसर ज़्यादातर स्मोकर्स के लिए समझा जाता है, पर इनकी मदर टोटल वेजिटेरियन थी, वेगन थी, और स्मोक तो वो बिल्कुल भी नहीं करती थी, ना वो ड्रिंक करती थी, हाँ वाइन कभी कभी ले लेती थी, क्योंकि लंग कैंसर कैसे हो गया। तीनों बहनें बहुत दुखी थी, और जहाँ हॉस्पिटल में इनकी मदर का इलाज चल रहा था वहाँ बैठ के ये तीनों आपस में बात कर रही थी कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और हमारे साथ क्यों ये विपदा अचानक इतने टाइम बाद आन पड़ी। तो इन जब ये बातें कर रही थी, इनके साथ एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी। वो बटरफ्लाई जो थी वो तब तक रही इनके साथ जब तक ये अपनी मदर से रिलेटेड बातें कर रही थी। ये बड़े हैरान हुए कि ये बटरफ्लाई उड़ ही नहीं रही है जब तक हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डे लंच टाइम में जैसे बहनें फिर बाहर ही बात कर रही कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं क्या कर सकती हूँ, हम घर पे ले आए या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलने दें, बहुत सारी बातें होती हैं आपस में डिस्कस करने के लिए, तो वो कर रहे थे। पर वो जब भी गए तो वो पर्टिकुलर येलो कलर की बटरफ्लाई जो थी वो वहाँ आती थी। बड़ी ये हैरानी की बात है, ये कल भी यहाँ आके बैठ गई, आज भी यहाँ आके बैठ गई, ये कहाँ से आ रही है भाई? तो ये जितना जाते हैं अपनी मम्मी को बताते हैं कि भाई हम दो दिन से हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम जब भी तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि ये तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया। और ये बटरफ्लाई है ये आ जाती है, ये कहाँ से आ जाती है हमें नहीं पता। तो उनकी मदर कहती है ये तो वाकई बड़ी स्ट्रेंज बात है। तो कहती है तुम्हें याद है तुम्हारी जो मासी थी वो, उन्होंने मुझे लास्ट गिफ्ट क्या दिया था? वो कहते क्या, कहते जब उन्होंने मुझे लास्ट गिफ्ट एक बैग दिया था जिसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज हो रही थी, और तुम्हारी मासी और मैं जब हम छोटे होते थे हम चेस करते थे बटरफ्लाई को, बटरफ्लाई हमारी मतलब एक बहुत अच्छी मेमोरी है दोनों की। तो खैर ये बातें आपस में होती हैं, टाइम गुजरता जाता है, ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन ट्रीटमेंट हेल्प नहीं कर रहा था। आखिर 21 दिसंबर 2015 को उनकी मदर चली गई। बहुत दुख में थे, बहुत तकलीफ में थे, पर क्या कर सकते थे, पर हर एक को अपना ग्रीविंग टाइम चाहिए। ये 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग जो है वो हर किसी के लाइफ में आती है, और हर किसी को उसके उससे होके गुजरना पड़ता है। तो ये भी गुजर रहे थे, इतने में इनकी छोटी बेटी जो थी उनकी लाइफ में कोई आया, और इन्होंने फैसला लिया कि ये शादी करेंगे। तो इट वॉज 4 सितंबर 2016 जब इनकी शादी की डेट जो है वो फिक्स हो गई थी। तो उससे एक रात पहले इन्होंने अपनी वो ड्रेस निकाली जो इनकी मदर ने खरीदी थी, और उसके सामने दिया जलाया।
अपनी मदर के लिए तो प्रार्थना की, और वो अपनी तरफ से अपनी ड्रेस को, उनका कोई रिचुअल था कि भाई वो लाइट दे रही थी कि इस पे ब्लेसिंग्स खूब सारी रहे उनकी मदर की। और खैर सुबह हुई, शादी वगैरह हुई, जैसे ही शादी हो रही थी तो इनकी सिस्टर की एकदम ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। तो सोचे कि पता नहीं क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया। तो ये फटाफट भाग के गई, क्या हो गया क्या हो गया, कहते ये देखो देख क्या, तो वहाँ पे पीले रंग की दो बटरफ्लाईज, और जहाँ पे इन्होंने अपना फैमिली फोटोग्राफ खिंचवाना था वो चेयर के ऊपर आके बैठी हुई थी, और इनकी जो फैमिली फोटोग्राफ है वो उन दो बटरफ्लाईज के साथ है। और उस वक्त मैं बहुत रोई, वो कहती है इसका मतलब मेरी मदर जो है वो मुझे अभी भी देख रही हैं और वो आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि जब फोटोग्राफ खिंच गई उसके बाद वो बटरफ्लाई जो थी वो उनके गालों के ऊपर आई और वो गाल सहला रही थी, बहुत अजीब बात थी ये। और उसके बाद वो एक एक करके दोनों तीनों बहनों के ऊपर और उनके हस्बैंड्स के ऊपर ऐसे मंडराई और उसके बाद वो उड़ गई। तो कितनी अजीब बात होती है, और मैं इससे रिलेट ऐसे करती हूँ क्योंकि जब मेरे दादाजी गए थे तो उनसे मिलने का भी साइन बटरफ्लाई था, और वो भी येलो कलर की ही बटरफ्लाई। और जहाँ पे भी मिल जाती, जब भी मेरा दिल थोड़ा उदास होता और कहीं मुझे वहाँ पे येलो कलर की बटरफ्लाई दिख जाती तो मैं सोचती डैडी है देख ली। तो ऐसे बहुत सारे कोइंसिडेंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि हर बार ज़रूरी नहीं कि एंसेस्टर्स जो हैं वो ह्यूमन फॉर्म में ही आके आपसे मिले, वो आपकी किसी मीठी याद के को यूज़ कर सकते हैं, कुछ आपकी मेमोरी को, ऐसी मेमोरी को जो आपकी और उनकी दोनों की कटी हो, चाहे फिर वो बटरफ्लाई चेस करना हो, चाहे वो गिलहरियाँ देखना हो, चाहे वो कौवों को खाना खिलाना हो, कुछ भी हो, हर एंसेस्टर का अपना तरीका होता है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो आपको पता है कि लाइक बटन कहाँ पे है, आपको पता है कि कमेंट सेक्शन कहाँ पे है, और आपको ये भी पता है कि शेयर कैसे करना है। और बस फिर कल मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद जरूर करे। तो कल मिलेंगे, नमस्ते।